श्रीपाल कॉलोनी भले ही नगर निगम में सम्मिलित हो गए हों, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। साक्षी न्यूज ने रियलिटी टेस्ट किया तो नगर निगम की पोल भी खुलकर सामने आई। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला महादेव नगर और श्रीपाल कॉलोनी भले ही सम्मिलित हो गई हो, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। आज साक्षी न्यूज ने रियलिटी टेस्ट किया। रियलिटी टेस्ट के दौरान नगर निगम की पोल खुलकर उजागर हुई है। जल भराव की समस्या है, पेयजल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। इन इलाकों में अभी तक विस्तार नहीं किया गया। करोड़ों रुपया का फंड डकार गए अधिकारी, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। स्थानीय लोग हाहाकार किए हुए हैं। किसी के घर की दीवार पलटती है तो किसी के दरवाजे पर पानी भरता है, किसी की भैंस पानी में जाती है। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हैं। मूलभूत सुविधाएं नहीं दी पा रहा नगर निगम। कैसे नगर निगम की व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, इन सब को लेकर तमाम पहलुओं पर बातचीत की। स्थानीय लोगों का आक्रोश भी देखा गया। वो चोटीले हो जाते हैं, वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं और बारिश का मौसम है, परेशानी बहुत हो रही है हम लोगों को। ना ही तो हमारी बस्ती में पानी है, ना ही बिजली है, ना ही सड़क है। नगर निगम के वार्ड नंबर 34 महादेव नगर और श्रीपाल कॉलोनी का यह नज़ारा है। हल्की बूंदाबांदी के बाद जलभराव से लोग परेशान हैं। कई घरों में पानी घुसा है। नगर निगम की टीम यहां आई है, लेकिन अभी तक उनका राहत कार्य सुचारू रूप से नहीं किया गया। इस बात को लेकर क्षेत्रीय लोगों में खासा आक्रोश है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इनकी जो समस्याएं हैं उनका स्थायी समाधान किया जाए। हमारे साथ स्थानीय नागरिक हैं, बताएंगे क्या समस्या है। मतलब पानी वानी बढ़ रहा है, पानी दे हाँ, और गली कोई सही नहीं है। ये करीब हो गई तब सही से परेशानी है रही है, कोई समस्या समाधान ना रही। ट्यूबवेल से पानी बारो ना दे, ट्यूबवेल बारो। आज पानी भरा है तो अधिकारी आए, कोई ना आ रहे, कोई सुनवाई ना आ रही, कोई सुनवाई ना आ रही। आए सो दो दिन से टोल दरिया एक बूंद पानी ना कर रहा हूं। अच्छा, आज दो घंटे बरसात में ये नजारा है। अगर भीषण बारिश होती तो क्या? भीषण बारिश होती हमारे लोगों के मकान भी गिर जाएंगे, हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते हैं। मकान में हमारे मकानों में पानी भरा है। हम चाहते हैं हमारी मांगे पूरी हैं, गलियां बने ना, हमारे लाइट आ रही है, एक ट्यूबवेल लगा है, ट्यूबवेल पे भी राजनीति हो रही है। कोई कोई चलता है, कभी नहीं चलता है। तीन तीन दिन पानी नहीं आ रहा पीने के लिए। हम सुबह से अभी तक खाना अभी तक नहीं खाए, राशन भी नहीं पहुंच पा रहा है रास्ते में, कल कैसे ले जाएं हम लोग। साफ तौर पर स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, जल भराव से परेशान है, पेयजल समस्या से परेशान है, लेकिन स्थानीय नगर निगम के अधिकारी और महापौर कतई सुनवाई नहीं कर रही। ऐसी स्थिति में जनता आंदोलित है, आक्रोशित है। देखना यह है कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती है